फ्रेंड्स, वेलकम टू विंटर सीजन ऑन माय जुनून चैनल। आज मैं आपके साथ एक ऐसा ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ जिससे कि आपकी मोस्ट ड्राई स्किन, बहुत ही ज़्यादा जो ड्राई स्किन विंटर्स में हो जाती है, वो 10 मिनट में मॉइस्चराइज्ड, हाईली मॉइस्चराइज स्किन आपकी हो जाएगी। इट्स माय प्रॉमिस। ये उन लोगों के लिए ये बहुत यूज़फुल वीडियो है जिनके पास टाइम नहीं होता कि वो जो मॉइस्चराइज्ड फेस पैक हैं या फेस मास्क हैं वो अप्लाई करें, फिर 30 to 45 मिनट्स वेट करें, देन वॉश करें। ये उन लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है जिनके पास टाइम नहीं है फेस पैक वगैरह अप्लाई करने के लिए। लेकिन उससे पहले इस ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ जो नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक एंड शेयर कीजिए। इसके लिए जो भी इंग्रेडिएंट हमें चाहिए आपको आपके किचन के अंदर एंटर करते ही मिल जाएंगे। और इसके लिए हमें चाहिए 1/2 स्पून कर्ड, थिक कर्ड हमें यूज़ करना है, और हमें चाहिए 1/2 स्पून मिल्क। आप रॉ मिल्क या बॉयल मिल्क जो है ठंडा वो ले सकते हैं। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। आपका फेस बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, उससे पहले आपके फेस पे कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं होनी चाहिए। मेरा फेस बिल्कुल विदाउट मेकअप है, कुछ भी मैंने अप्लाई नहीं किया हुआ, जस्ट मैंने लिपस्टिक अप्लाई की है। अब हम सर्कुलर मोशन में मसाज करते करते अपने फेस पे इसको अप्लाई कर लेंगे। जी, आपके फेस को अप्लाई करने के मॉइस्चराइज करने के साथ साथ ये क्लीन अप भी करेगा आपके फेस फेस का। हमने ऐसे नहीं करना है कि जस्ट अप्लाई किया, ड्राई किया, वॉश किया, ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। इस मास्क को हम ड्राई नहीं करेंगे। आप इसको अपने नेक पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं आपको फेस पे ही अप्लाई करके बताऊंगी। इस मास्क को हमें ड्राई नहीं करना है। और आपको 10 मिनट्स के बाद मैं बताती हूँ कि कौन सा वो ट्रिक है जिससे हम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर सकेंगे। अब हम 10 मिनट्स की वेट करते हैं। अब 10 मिनट्स हो चुके हैं, हमारी जो मास्क है देखो वो ड्राई नहीं हुआ है बिल्कुल भी, सेट हो गया है बट ड्राई नहीं हुआ है। अब उस ट्रिक की बारी है कि हमने क्या करना है। अब हम धीरे धीरे करके इसको सर्कुलर मोशन में मसाज करना शुरू करेंगे और इसको अपनी स्किन के अंदर मर्ज करेंगे। देखिए, ये धीरे धीरे करके हमारी स्किन के अंदर अच्छी तरह मर्ज हो रहा है। ट्रस्ट मी, ये आपकी स्किन को बहुत ही मॉइस्चराइज और नरिश करता है। इसके बाद आपको मॉइस्चराइजर यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बट अगर आप चाहते हैं तो आप मॉइस्चराइज कर सकते हैं। ये सभी स्किन टाइप्स वालों के लिए सूटेबल है। आप इसको डेली यूज कर सकते हैं, अल्टरनेट डे में यूज़ कर सकते हैं, और वीकली भी यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। देखिए, ये सारा आपकी स्किन के अंदर मर्ज हो गया है। जब आप डेली रेगुलर यूज करेंगे तो आपकी स्किन हाईली मॉइस्चराइज तो होएगी बट आपकी स्किन ग्लो करना भी शुरू करेगी। ये आप देख सकते हैं सामने कि स्किन जो है कितना ग्लो कर रही है, और साफ पता चल रहा है कि कितनी मॉइस्चराइज हो रही है। अभी मैं कैमरा में देख के कर रही हूँ, मुझे इतना अच्छी तरह पता नहीं चल रहा। आप मिरर में देख के करोगे तो आपको अच्छी तरह लगेगा। यू कैन सी। और इसके बाद आपको क्या करना है, कॉटन वेट कर लीजिए या कॉटन पैड जो है वो आपको यूज़ करना है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। वेट कॉटन से आप अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। आपका जो स्किन है वो ब्राइटन अप भी होगी, ग्लो भी करेगी, मॉइस्चराइज भी।
बहुत स्किन आपकी सॉफ्ट मॉइस्चराइज्ड और हाइड्रेट हो जाती है, और जब आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन ग्लो करनी भी शुरू कर देती है। आप इस ट्रिक को यूज़ कीजिए और अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में नीचे मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।